a South Asian Canadian channel. हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर. श्री गुरु तेग बहादुर जी का अज प्रकाश पुरब है. पूरी दुनिया के संगत प्रकाश पुरब मना रही ने. इस मौके पर असी गुरु साहब नूं कोटन कोट प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं. श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म श्री अमृतसर साहब विखे होया, जिथे कि अज गुरुद्वारा साहब गुरु के महल मौजूद है. श्री गुरु तेग बहादुर जी श्री गुरु हरगोबिंद साहब के पंजवें ते सब तो छोटे सपुत्र सन. बचपन च उन्हां दा नाम त्यागमल रख्या गया, क्योंकि गुरु साहब का पालन पोषण सिक्खी वाले माहौल च होया सी. इस करके सबर, संतोख, धीरज, दृढ़ इरादे, जुल्म के खिलाफ लड़ना, जज्बा, ये सारा उन्होंने विरसे च मिलिया. तो उन्होंने परिवारिक विरसे चों सहजे ही श्री गुरु तेग बहादुर जी की शख्सियत का हिस्सा बन गया. गुरु घर के बहुत वड्डे भगत बाबा बुढ़ा जी तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने गुरमुखी की सिखलाई ली. गुरबाणी के बहुत वड्डे ज्ञाता भाई गुरदास जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं धार्मिक ग्रंथां अते होर समकाली भाषावां की सिखलाई दित्ती. औखे मैं मौके पर तैयार ब तैयार रहने लई गुरु साहब नूं तीरअंदाजी ते घोड़सवारी की सिखलाई भी दित्ती गई. करतारपुर की जंग दे विच जिस बहादुरी नाल गुरु तेग बहादुर जी ने तलवारबाजी कीती ते बड़े दलेरी नाल उत्थे लड़ाई कीती, ये तो प्रभावित होकर श्री हरगोबिंद जी ने अपने पुत्र त्यागमल का नाम तेग बहादुर रखता. तेग बहादुर का मतलब है तलवार का धनी. श्री गुरु हरगोबिंद जी ने कहा कि मेरा इस पुत्र वड्डा होकर बहुत वड्डा बली, कुरबानी देण वाला ते जुल्म के खिलाफ लड़न वाला बनेगा, इसलिए अज इहदा नाम असी तेग बहादुर रखते हाँ. श्री गुरु तेग बहादुर जी बहुत सारिया यात्रावां ते गए. सिख धर्म के विच जे श्री गुरु नानक देव जी तो बाद ये देखना होवे कि सच का होका ते लोकां नूं भगती वल जोड़ना, परमात्मा का फलसफा लोगों को समझाना, उहदे वास्ते यात्रावां किन्नियां ने, तो गुरु नानक साहब तो बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी का नंबर आउंदा. जदों आनंदपुर साहब विखे कश्मीरी पंडित जिहड़े कि कश्मीर दे जालम हाकमां तो दुखी होए सन, क्योंकि उन्होंने हुक्म दिता गया सीगा कि जां तां धर्म परिवर्तन कर लो नहीं मौत लई तैयार रहो, तो कृपा राम की अगवाई दे विच श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं कश्मीरी पंडित मिलन आए. उन्होंने अपनियां दिल कंबाऊ कहानियां ते घटनावां गुरु साहब नूं सुनाईयां, तो गुरु साहब इन्हां नूं सुन के बहुत दुखी होए, क्योंकि गुरु साहब हमेशा धार्मिक समानता दे ते जुल्म दे खिलाफ लड़न दे हामी रहे सी. इस मौके ते बाल गोबिंद राय जिहड़े कि वड्डे होकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बने, बाल गोबिंद राय आए तो उन्होंने पूछा कि पिता जी की है इन्हों का मामला, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा गोबिंद ये इस तरह जुल्म हो रहा इन्हां ते, तो ये वास्ते कोई बहुत वड्डी धार्मिक ते समाजिक शख्सियत की कुरबानी की लोड़ है. तो बाल गोबिंद राय जी ने कहा कि पिता जी तुहाडे तो वड्डी शख्सियत कौन हो सकता है, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा पंडितां कश्मीरी पंडितां कि जाओ इन्हां जालमां नूं सुनेहा पहुँचा दो कि जो मेरा धर्म परिवर्तन करवा लैन तो बाकी सारे खुशी खुशी धर्म परिवर्तन कर लैणगे. दिल्ली दे विच बुला के श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं करामा दिखाउण लई कहा गया जां मौत लई तैयार रहण लई कहा गया, तो गुरु साहब ने कहा करामात सिर्फ वाहिगुरु, करामात सिर्फ परमात्मा दा, बंदे दे बस दी गल नहीं. तो उन्हां नूं मौत दे घाट उतारन दा फरमान जारी कर दिता गया, तो गुरु साहब ने हसदे हसदे मौत दा फरमान प्रवान कर लिया. चांदनी चौंक विखे 11 नवंबर 1675 नूं गुरु साहब का सीस धड़ नालों अलग कर दिता गया, उन्होंने शहीद कर दिता गया.
गुरु साहब हमेशा धार्मिक समानता दे हामी सी। गुरु साहब हमेशा कहिंदे सी कि मनुखी बंधना का कारण अग्ञानी मन है, तो अग्ञानी मन नू काबू सिर्फ भगती नाल कीता जा सकता है, परमात्मा की भगती नाल। ते भगती नाल काबू किए हुए मन का जिहड़ा फलसफा है वह मनुख नू सुकून दिंदा है। सो अज उन्हां दे प्रकाश पुरब के मौके दुनिया के लखां करोड़ां लोग जिथे नतमस्तक हो रहे हैं, असी भी गुरु साहब की इस लासानी कुरबानी नू याद करते हुए हाँ, उन्होंने कोटन कोट प्रणाम करते हैं, तो उन्होंने प्रकाश पुरब से अज उन्होंने कोटन कोट प्रणाम करते हुए नमन करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। A South Asian Canadian channel.